थू करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है। आज किसान के हक में बातें करने, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म वर्षी है, जिन्होंने नारा लगाया था जय जवान जय किसान, किसान आज पूरे सड़कों में है, तो ये भाजपा वाले खुद महसूस करेगा। अगर इतना ही था तो इनके फिर गठबंधन वाले क्यों टूट रहे हैं? लोग आज किसान सड़कों पर यहाँ पे हैं, जवान आज शहादत दे रहा है बगैर जंग के, सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना इतनी है। आज महात्मा गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये समय की पुकार है, हम सब लोग उनको शव पे श्रद्धा के समर्पण करते हैं। बीजेपी ने राहुल, मैं समझता हूँ ऐसी जहाँ पर भी वारदात, यहाँ पे वहाँ की सरकार है वो उसको संभाल लेगी। यहाँ पे जिस ढंग से आधी रात को इनको कौन सा डर था कि राहुल गांधी वहाँ पे जाते, कौन सा तूफान होना था, रात को अंधेरे में जो इन्होंने उसका संस्कार किया, यही दर्शाता है कि किस ढंग से मीडिया में पूरे वीडियो वायरल और पूरे दूरदर्शन के माध्यम से मीडिया के जरिए ये चीज़ें हाईलाइट यहाँ पे हुई। ये हिंदुओं के संस्कृति के खिलाफ था, जिस ढंग से इसके कड़े शब्दों में निंदा की जाए, और लड़की को जिस ढंग से अंतिम संस्कार करने घर वालों के बीच बात नहीं होती थी। इधर तो बड़े बड़े मिलिटेंटों को भी उनको घर में बुला के देते हैं, भाई लो आपकी बॉडी ले लो। तो ये अपने आप में एक दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी और किसान विरोधी क्या, वो उस नदियों का विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पे रोष प्रदर्शन करने के लिए। जो बीजेपी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जो उन्होंने भाषण अपना किया था, भाषण तब भी नरेंद्र मोदी वही था गुजरात का चीफ मिनिस्टर, तो वो भाषण बोलते थे जो आज हम कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। उस भाषण को पढ़ें, उसी को लागू करें, उनको जवाब मिल जाएगा कि आज विपक्ष जो बातें यहाँ पे करता है। सुषमा स्वराज जी का भाषण आप पढ़ें, वो आज सड़कों में बात उनका हो, उन्होंने भाषण में क्या किया, भाजपा अपना मंथन करे, हमारी फिक्र ना करे, हम जन विरोधी नीतियों का डट के विरोध करें चाहे हमारी जान भी चली जाए। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे सेवा